हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ कौन सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फेस पैक आप लोगों को बताने वाली हूँ, DIY फेस पैक, जिसको लगाने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो। गाइज, अगर आप लोगों के फेस पे भी बिल्कुल भी ग्लो नहीं है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पार्लर जाने का, फेशियल कराने का, तो आप लोग घर बैठे ही इन चार चीजों की मदद से बहुत जल्दी अपने फेस पे एक अच्छा सा निखार ला सकते हैं। ऐसा निखार ला सकते हैं कि फेशियल का जो निखार होता है वो भी उसके सामने फैले। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा DIY फेस पैक बताने वाली हूँ, जिसे लगाने के बाद आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा ग्लो आने वाला है। तो जानते हैं कौन सी वो चार चीजें हैं जिनकी मदद से आप लोग घर पे ही ये DIY फेस पैक तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो चार चीजें जो हैं, सबसे पहले आप लोगों ने आधा चम्मच कॉफी लेना है। यहाँ पे मैंने कॉफी पाउडर ले लिया है आधा चम्मच, ज्यादा कॉफी पाउडर आपने नहीं लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एक चम्मच यहाँ पे बेसन लेना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक चम्मच कच्चा दूध लेना है और इन तीनों को मैं पहले अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद गाइज, यहाँ पे हमने आधा चम्मच हनी लेना है, आधा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना हनी लिया हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपनी काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हनी मुझे सूट नहीं करती है, फिर भी इस DIY फेस पैक को बनाने के लिए हनी का इसमें ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हनी के ऐड होने से ही ये DIY फेस पैक हमारी स्किन को ब्राइटनिंग और ग्लोइंग करता है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा फेस पैक बनके रेडी हो चुका है, अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सो गाइस, देखा ना आप लोगों ने, मेरा फेस पैक तैयार हो चुका है, अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है, बिल्कुल साफ कर लिया है, फिर भी मैं एक बार वाइप्स की मदद से अपने फेस को साफ कर लूंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, गर्मी आ चुकी है और मेरे फेस पे 5 मिनट बाद ही पसीना आ जाता है, तो फेस को वॉश किए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बोलना चाहूँगी, बैकग्राउंड से अगर आप लोगों को कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप लोग उस चीज़ को माइंड मत करना, क्योंकि लाइट अभी यहाँ पे कम है, लाइट गई हुई है, लाइट का भी इशू है, प्रॉब्लम चल रही है, और साथ में आसपास के लोग, बच्चे हैं जो आसपास के बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल माइंड मत कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाती हूँ अपने फेस पे लगा के कि इस पैक को लगाने के बाद हमारे फेस पे क्या रिजल्ट आता है। तो गाइस, वाइप्स मैंने ले लिया है, अब इसकी मदद से मैं अपने फेस को क्लीन कर दूंगी। वैसे तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार, आजकल गर्मियां चल रही हैं तो जरूरी होता है फेस को क्लीन करना। तो गाइस, फेस मैंने अपना क्लीन कर लिया है, अब मैं लगाने वाली हूँ इस फेस पैक को। तो चलिए, ब्रश की हेल्प से मैं इसे लगाऊंगी। तो गाइस, जब तक इस फेस पैक को मैं अपने फेस से अप्लाई करती हूँ, तब तक मैं आपको इन सारे जो भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, इनके बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉफी के बारे में। तो कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, जो कि हमारी स्किन को जमा रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। जिन लोगों की स्किन एकदम से, मतलब झाइयाँ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, एकदम से उनकी स्किन, मतलब ऐसा लग जाता है कि जैसे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ये आपकी स्किन को जमा रखती है, आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा निखार लाता है, आपके स्किन को ग्लोइंग बनाता है। वहीं मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ बेसन की, तो बेसन आपके चेहरे को काफ़ी ज़्यादा साफ करता है, मुलायम बनाता है, आपके अगर फेस पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल आता है तो उसे हटाता है और उसे वापस आने से रोकता है। वहीं गाइस, अगर मैं तीसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, जो कि है कच्चा दूध, तो कच्चा दूध एक मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। कच्चा दूध हमारी त्वचा की परतों को पोषण देता है, हमारी त्वचा को काफी ज्यादा ग्लोई बनाता है, हमारी त्वचा को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, ये त्वचा के अंदर जाके कंडीशनिंग और मॉइस्चराइजर का काम करता है, ये हमारी त्वचा के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है।
ये एक फेस क्लींजिंग का काम भी करता है और साथ ही साथ जिन लोगों को टैन की प्रॉब्लम हो गई है ये टैन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो वहीं गाइज अगर मैं चौथे इंग्रेडिएंट्स की बात करूं जो कि है शहद, तो शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम्स और कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी त्वचा को पोषण प्रदान करते हैं और हमारी त्वचा को साफ रखते हैं, नमी प्रदान करते हैं। शहद हमारे स्किन में जो भी कील मुहासे हैं, जिन लोगों को भी पिंपल्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए शहद काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो गाइज ये थे वो चार इंग्रेडिएंट्स जिनके हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जो कि हमारी स्किन को काफी ज्यादा ग्लो बनाती है, हमें स्किन से जुड़ी हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाती है। सो ये देखिए आप लोग, बिल्कुल मेरा ये खत्म हो चुका है और पूरा फेस पैक मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब मुझे 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे रखना है, मतलब हल्का हल्का इसे सुखाना है, ज्यादा बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसको। हल्का हल्का जब ये सूख जाए इसके बाद मैं इसे निकाल लूंगी। ये फेस पैक बहुत ही अच्छा वर्क करता है गाइस। अगर आप लोगों को इनमें से भी किसी भी इंग्रेडिएंट से प्रॉब्लम है, मतलब आप लोगों की स्किन को सूट नहीं करता है, तो आप लोग इसे ना डालें। मैंने यहाँ पे हनी ऐड किया था, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बताया हनी मुझे सूट नहीं करती है, फिर भी मैंने इसमें हनी ऐड किया है। ज़्यादा नहीं किया है बल्कि थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, क्योंकि हनी ऐड करने से हमारे फेस पे एक बहुत ही अच्छा निखार आ जाता है, इसीलिए मैंने हनी ऐड किया है। अगर आप लोगों को भी मेरी जैसी प्रॉब्लम है और आप लोग भी नहीं चाहते हैं कि हनी आप लोग इसमें डालें, तो आप लोग इसमें लेमन डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं थोड़ा सा, वो भी हमारी स्किन को ब्राइटनिंग करता है। अगर आप लोगों की स्किन पे भी हनी शूट नहीं करती है, तो आप लोग लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने नींबू का एक चम्मच रस इसमें ऐड करना है, वो भी वही वर्क करता है जो हनी वर्क करता है, वो भी आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनिंग कर सकता है। तो गाइस बहुत ही ईजी तरीके से ये हम लोग घर पर बना सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें ये चीज़ें हर किसी के किचन में, हर किसी के घर में आप लोगों को मिल जाएंगी और आसानी से हम इसे बना सकते हैं। हमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फेशियल करवाते हैं तो आप लोगों को पता है फेशियल कराने में कितना तामझाम होता है, तो इसीलिए घर पे आप लोग आसानी से नेचुरल चीज़ों की मदद से अपने फेस पे ग्लो लाएं तो वो बहुत अच्छा है। अगर हम लोग केमिकल का यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन एक टाइम तक तो हमारी स्किन ग्लो करती है, उसके बाद हमें स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए बेटर यही है कि हम लोग घर बैठे ही घर पे ही ऐसे फेस पैक, ऐसे फेस स्क्रब या फिर फेशियल घर पे ही करें जिससे हमें ही बेनिफिट हो। तो 15 मिनट तक मुझे इसे अपने फेस पे ऐसे ही लगा के रखना है। तो चलिए अब आप लोग ये देख सकते हैं गाइस, मेरा हल्का हल्का ये सूख चुका है, देखिए सूख चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं इसे साफ करूंगी, तो साफ करने के लिए मैं फिर वही अपना ये वाइप दूंगी और यहाँ पे मैंने एक डोंगे पे पानी लिया हुआ है, इसकी हेल्प से मैं इसे क्लीन करूंगी। तो साफ करके देखते हैं रिजल्ट क्या आया हुआ है। इसे उतारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है गाइस, मैं आप लोगों को एक ही साइड अभी इसका निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे जल्दी निकलेगा, फिर मुझे बाथरूम में जाना पड़ेगा मुंह साफ करने के लिए। फिर भी मैं आप लोगों को एक साइड का निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके का इससे हमारे फेस पे ग्लो आ गया है। तो दिक्कत हो रही है गाइज मुझे इसे निकालने में थोड़ी सी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसे रख लिया है और ये ज़्यादा ही हो गया है थोड़ा। तो तब तक आप लोग एक साइड देख लीजिए इसका क्या असर हमारी स्किन पे हुआ है, फिर मैं इसे वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो एक बार मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, जूम करके देखिए आप लोग क्या असर, क्या रिज़ल्ट हमें मिला हुआ है। तो गाइज देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो हमारी स्किन पर आ चुका है। देखिए आप लोग खुद रिज़ल्ट देख सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा निखार हमारी स्किन पे आ चुका है, एकदम से बहुत अच्छा ग्लो हमारी स्किन को ये दे रहा है गाइस। देखिए नेचुरली ग्लो है ये, हाँ बहुत अच्छा मुझे इसका रिजल्ट लग रहा है गाइस, देख लीजिए आप लोग नेचुरली ग्लो इसने दिया हुआ है स्किन को। तो चलिए अब मैं पूरा वॉश करके आती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। फिर आप लोग देख सकते हैं ये देखो, ये थोड़ा ज्यादा ही टाइट हो गया है, तो इसको मैं अगर ऐसे निकालूंगी तो मेरी स्किन को भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको थोड़ा वॉश करके आती हूँ, पहले पानी लगाती हूँ मुंह पे, उसके बाद ही ये निकलेगा। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं गाइस आप लोगों के सामने रिजल्ट है, आप लोग खुद बताइए ग्लो आया या नहीं आया। देख सकते हैं आप लोग गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आ चुका है फेस पे।
और हमारी स्किन आप लोगों को खुद देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इससे स्किन हो जाती है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी हम कोई फेस पैक घर पे लगाते हैं तो उसके बाद अगर हम अपना फेस वॉश कर लेते हैं उसके बाद हम अपने फेस पे कुछ ना कुछ तो लगाना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे जेल लगा रही हूँ, ये है एलोवेरा लेमन जेल, देखिए आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अभी मैं इसे अपने फेस पे लगाऊंगी क्योंकि ये मस्ट है लगाना, अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो हमारे फेस पे, और ऐसे ही मैं धूप में चलेगी या बाहर चलेगी तो फिर मेरा फेस वही डल पड़ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने फेस पे कोई क्रीम लगा लें या फिर कोई जेल लगा लें जिससे स्किन पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जेल मैं यहाँ पे लगाऊंगी, एलोवेरा जेल है। तो बस ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसकी नहीं ली है, आप लोग खुद देख सकते हैं इतनी सी क्वांटिटी मैंने इसकी ली, बिल्कुल हल्का सा इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर दूंगी अच्छे से और इसे अपने फेस पे यूं लगा लूंगी। सो गाइस बहुत अच्छा इसका ग्लो आ चुका है, 99% ये मस्ट काम करता है ये फेस पैक। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे आप सभी लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में काफ़ी सारे लोगों की जो शादी होनी थी वो पेंडिंग मतलब पीछे चली गई है। तो अगर आप लोगों के भी रिलेटिव या किसी की शादी में आप लोगों को जाना है और अभी पार्लर भी नहीं खुले हुए हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद ही उनकी शादी है, तो आप लोग घर पे ये फेस पैक बना के अपने फेस पे नेचुरली ग्लो ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप लोग दिखेंगे। सो गाइस अब ज़्यादा बातें ना करते हुए और अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलती हूँ गाइज आप लोगों को अपनी एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।